लवली लेडीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आपको मेरे सेटअप से देख के, मेरा पूरा फुल लुक देख के पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल फेस्टिविटी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो आप भी हो जाइए, दिवाली बिल्कुल पास ही आ चुकी है, तो उसकी कुछ मैंने आपके लिए स्टाइल टिप वीडियो लेके आ गई हूँ। और कुछ आने वाली शादियाँ आ गई जो पढ़ने वाली हैं इस सीजन की, उसके लिए भी इसी एक वीडियो में दोनों का सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। इस एक दुपट्टे को कैसे मैंने अलग अलग तरीकों से स्टाइल किया है तो आप जरूर देखिएगा। आपके पास ऐसा कोई भी हैवी दुपट्टा है तो आप उसे इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो और एक हैवी लुक दे सकते हो। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुक के लिए मैंने ये एक पूरा वाइट आउटफिट क्रिएट किया है। मैंने एक क्रॉप टॉप लिया है और एक स्कर्ट कम लहंगा कह सकते हो उसे लिया हुआ है, उसको पेयर अप किया हुआ है इस दुपट्टे के साथ और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। मतलब आप इसे सिर्फ दिवाली पे ही नहीं, आप किसी शादी वगैरह में भी आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और गोल्डन ज्वेलरी के साथ इसे पेयर अप किया हुआ है, गोल्डन ही मैंने कड़े पहने हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ चूड़ियाँ भी पहन सकते हो। और एक रिंग डाल ली है गोल्डन कलर की और बन बनाया हुआ है और उसमें गजरा लगाया हुआ है। एक बिंदी तो मैंडेटरी है अगर आप एथनिक वेयर पहन रहे हो मेरे हिसाब से। तो बताओ आपको ये लुक कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड लुक की, मैंने कैसे सोचा। तो जैसे मैंने वाइट कलर का लहंगा एक पूरा अटायर शुरू सोचा, वैसे ही मेरे पास एक वाइट चिकनकारी कुर्ती थी, सेम प्लाजो था, तो उसके साथ पेयर अप किया। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जैसे दिवाली वगैरह पे लहंगा वहंगा नहीं पहनना पसंद करते, तो उनके लिए है। ऐसा हैवी दुपट्टा उनके पास है तो वो ये कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन ज्वेलरी ली है, लॉन्ग जो टेम्पल वाली आती है, ठीक है, उसी के साथ उसी का सेट था, वही इयररिंग्स ली हैं, सेम रिंग रखी हुई है। और दुपट्टा कुछ इस तरीके के शॉल स्टाइल में पहन सकते हो। यहाँ पे मैंने पोनी कर ली है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बिंदी तो आपको पता ही है, मैं लगाती हूँ। ठीक है, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? तीसरे लुक के लिए मैंने, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने वैसे ही क्रिएट किया है दोबारा से ये लहंगा ब्लैक कलर का साड़ी से। ठीक है, उसके साथ ब्लाउज़ मैंने ले लिया है जो कि मैंने मीशो से लिया हुआ था, और ये दुपट्टा ले लिया है। दुपट्टा आप कोई भी और कलर का ले सकते हो, जस्ट ये एक रेफरेंस है कि अगर आपके पास ऐसे कोई हैवी दुपट्टे हैं तो आप उसको इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेकलेस कुछ ना पहन के सिर्फ एक अच्छी हैवी वो पहन ली है, इयररिंग्स ले ली है वो पहनी है, और एक माथा पट्टी ले लिया है फॉर अ चेंज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बन बनाया हुआ है उसी के साथ, वही सेम वही रखा हुआ है गजरा। ठीक है, और रिंग सोचा था मैंने पहनने को, उसके बाद मुझे लगा पता नहीं पहनूं नहीं पहनूं, तो मैंने फिर रहने ही दिया। ठीक है, और इस तरीके से दुपट्टे को कुछ कैरी किया हुआ है, ठीक है, साइड में ले जाके। ठीक है, आप दुपट्टे के साथ थोड़ा प्ले कर सकते हो तो थोड़ा अलग लुक भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे रिंग और कड़ा आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो पहन सकते हो। ठीक है, थोड़ा मिनिमल रखने की कोशिश की है। अगले लुक में मैंने क्या किया है, मेरे पास ये लहंगा आपने बहुत बार मुझे स्टाइल करते हुए देखा होगा, तो मैंने इस बार करवा चौथ पे ये कुर्ता सेट मंगाया था, शरारा सेट था ये, तो उसका ये वाला कुर्ता ले लिया मैंने। ठीक है, और इसके साथ मैंने इयररिंग्स पहन ली, ठीक है, और थोड़े से बैंगल्स डाल लिए और ये वाला दुपट्टा कैरी कर लिया। अब दुपट्टा आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो, मुझे इस तरीके से अच्छा लगा ताकि कुर्ते का भी वर्क दिखे, ठीक है, और दुपट्टा और लहंगे का भी पूरा काम दिखे, ये नहीं कि सिर्फ दुपट्टा दिख रहा है। ठीक है, तो बताना आपको ये लुक भी कैसा लग रहा है। अगले लुक के लिए मैंने फिर से, मेरे पास एक सॉलिड पिंक कम पीच कलर का कुर्ता सेट था, ठीक है, तो ये मैंने लिया है और थोड़ा सा हेयर एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये मेरी गो टू ज्वेलरी हो गई है, आपने देखा होगा अगर आप मेरे फॉलोवर हो, बहुत टाइम से मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, तो ये मैंने इयररिंग्स इतनी बार यूज़ की है, इतनी वर्सेटाइल है, बहुत लोगों के साथ जाती है, तो एक रिंग भी यूज़ कर ली है इसके साथ। और दुपट्टे को कुछ इस तरीके से शोल्डर पे रख के यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक पूरा ओवरऑल थोड़ा भरा सा भी लुक लग रहा है। और आप आराम से किसी दिवाली कार्ड पार्टी वगैरह में जाना चाहते हो, किसी हाउस पार्टी में जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा।
अगले लुक को आप थोड़ा देखोगे, ये और ये लास्ट लुक है, तो थोड़ा आपको लगेगा ये पूरा शादी वाला टच है। हाँ जी, अगर आप शादी में जाना चाहते हो उस तरीके से तो बिल्कुल ही जा सकते हो, ठीक है। और आप किसी दिवाली पार्टी में भी जा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, अप टू यू कि आप कितना हैवी रखना चाहते हो अपने लुक को। तो यहाँ पे मैंने, ये मेरी साड़ी थी उसको मैंने लहंगे में कन्वर्ट किया, उसी का ये ब्लाउज है, दुपट्टा तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन ज्वेलरी ऑप्ट की है, इयररिंग्स कुछ नहीं पहनी है, मांग टीका लगाया हुआ है, बन बनाया हुआ है और रिंग पहन लिया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ट्रस्ट मी, ये एक आपको आइडिया दिया गया है, जो कि मैं आइडिया देती हूँ आउटफिट आइडिया, अगर आपके पास इस तरीके का कोई लहंगा है तो आप उसे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत प्यारा लग रहा है, आप शादी वगैरह में तो आराम से कैरी कर ही सकते हो, शादी के साथ साथ आप दिवाली पार्टी में भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत जगह बहुत ग्रैंड भी पार्टियाँ होती है, और खैर अपने लिए ड्रेसअप होते हो, ठीक है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी आपका कोई ड्रेसअप जो आपने किया हुआ है अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लग सकता, पर आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए ड्रेसअप हुआ करो, किसी और के लिए नहीं। तो बताना आपको सबसे अच्छा लुक इसमें से कौन सा लगा, और आप इसमें से कौन सा आइडिया चुनने वाले हो, ज़रूर से बताना, ठीक है। अगली बार मिलती हूँ, टाटा। तो बताना कैसा लगा ये वीडियो, आपका सबसे पसंदीदा लुक इसमें से कौन सा था, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी, वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करिए, और प्लीज़ अपना खूब सारा प्यार दीजिए। और चलिए अगली बार मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय, और इन्जॉय करो सारे फेस्टिवल, बाय।